वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण को हल करना सिखाएंगे। इसके लिए हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 लिया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों, क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपका एक नंबर में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0। इसमें आपको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना है और इसका हल ज्ञात करना है। और एक चीज पहले आपको यह भी बताना है कि इसका मूल का अस्तित्व संभव है या नहीं। इसके लिए बच्चों आपको विविक्त कर निकालना है, जिसको संक्षेप में डी बोला जाता है, और डी बराबर होता है b² - 4ac। तो 4ac, ac क्या है आपको पता है बच्चों, b भी क्या है पता है। लिखेंगे चूंकि यहाँ a = 2, b = -7, c = 3, इसीलिए d = b² - 4ac या d = b के प्लेस पर आपका -7 है, तो -7² - 4ac, a के प्लेस पर 2 है और c के प्लेस पर 3 है। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्व आएगा 49 - 24, यह आ गया आपका 25। तो आप देख पा रहे हैं कि D का वैल्यू 25 है। स्टूडेंट्स अगर D का वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0 रहे तो आपका मूल का अस्तित्व संभव होगा, और D का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो उस द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल संभव नहीं होता है, इमेजिनरी रूट होता है। बट आपके सिलेबस में इमेजिनरी से कहीं कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक रहे तभी आपको हल करना है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है। यदि D ग्रेटर देन 0 हो तो आपके 2 मूल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, और यदि D = 0 हो तो आपके 2 मूल होंगे और दोनों बराबर होंगे, और D लेस देन 0 हो जाए तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वैसे ही प्रश्न आएंगे जिसका मूल संभव होगा। देखिए हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि D ग्रेटर देन 0 है इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व संभव है एवं इसके 2 बराबर 2 असमान होंगे, दो असमान मूल होंगे। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। इसके लिए एक अंक दिए जाते हैं बच्चों। तो चलिए ये मूल का अस्तित्व संभव है कि नहीं इसे हमने बता दिया। कैसे? तो D का वैल्यू फाइंड करके। यदि D का वैल्यू लेस देन 0 होता तो कहते चूंकि D लेस देन 0 है इसलिए इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है, बट यहां पर वास्तविक मूल होंगे। अब चूंकि मूल निकालिए, अब चूंकि द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर -b ± √d/2a या x =
माइनस बी, बी का वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों माइनस सेवन है। प्लस माइनस डी का वैल्यू आप देख सकते हैं 25 है। बाय टू ये ए का वैल्यू है आपका 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए क्या आएगा, माइनस सेवन माइनस माइनस सेवन आपका प्लस सेवन हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट बच्चों 5 होता है। 7 सेवन में एक बार 5 ऐड होगा और एक में सेवन, एक बार सेवन में 5 डिफरेंस होगा बच्चों। तो एक्स का देखिए 2 वैल्यू आ गया, चलिए इधर लिखते हैं ऊपर में, या एक्स इक्वल टू 7 + 5 12/4 हो गया बच्चों, और एक हो गया 2/4। एक्स इक्वल टू 3 और इसका आ गया 1/2। अतः द्विघात समीकरण के दो मूल 3 एवं 1/2 है। अतः द्विघात समीकरण के दो मूल 3 एवं 1/2 है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो एक नंबर आपका हो गया बच्चों, इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए वीडियो रोकिए और कॉपी। तो स्टूडेंट अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसा कि आप देख रहे हैं 4x² + 4√3x + 3 = 0। यहाँ पर एक के प्लेस पर 4 है, बी के प्लेस पर 4√3 है और सी के प्लेस पर 3 है। यहाँ पर भी हमने विविक्त कर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया है, जिससे कि आपका डी का वैल्यू 0 फाइंड हुआ है बच्चों। तो हम यहाँ लिखे हैं क्योंकि डी इक्वल टू 0 है, इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व संभव है एवं इसके दो समान मूल होंगे। अब चूंकि द्विघाती सूत्र से मूल एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज करके बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया है। तो ये देखिए बी के प्लेस पर कितना है 4√3 प्लस माइनस डी के वैल्यू डी के प्लेस पर है 0 बाय 2 इंटू ए के प्लेस पर है 4 माइनस 4√3 में एक बार 0 0 का स्क्वायर रूट बच्चों 0 होता है, तो एक बार 0 ऐड होगा बाय 8 और एक बार माइनस 4√3 में 0 माइनस होगा बाय 2 × 4 = 8 होता है बच्चों। ठीक है तो देखिए क्या होगा, x का दो वैल्यू होगा, x इक्वल टू माइनस 4√3/8 कॉमा माइनस 4√3/8 4 × 8 = 8 x इक्वल टू माइनस √3/2 कॉमा माइनस √3/2। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर दोनों रूट सेम हो गया है बच्चों। अतः द्विघात समीकरण के दो मूल माइनस √3/2 एवं माइनस √3/2 है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसे भी रोकिए और कॉपी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। चलिए धन्यवाद।